हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास चल रही है डिटर आर्टिकल की, और हम जैसे पिछली क्लास में बात किए थे डिटरमिनर के बारे में, और हम यह भी बताया था कि डिटरमिनर होते क्या हैं, जिसमें हमने पाँच प्रकार के डिटरमिनर बताए थे। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन बताई थी हमने कि डिटरमिनर वह शब्द होता है जो नाउन से पहले आता है और उसे निर्धारित करने का कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। और डिटरमिनर हमने पांच प्रकार से बताए थे। नंबर एक डिटरमिनर बताया था न्यूमरल, और दूसरा था डिमोस्ट्रेटिव, और तीसरा बताया था हमने डिस्ट्रीब्यूटिव, और नंबर चार बताया था हमने पोजेसिव, और नंबर पाँच में हमने बताया था आर्टिकल। और इन सब के बारे में बताया था, और बेसिक अंतर ये भी बताया था कि जो हमारे न्यूमरल और डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और पजेसिव, ये चार प्रकार के जो डिटरमिनर होते हैं वो आगे चलकर एडजेक्टिव की भूमिका निभाते हैं या एडजेक्टिव का कार्य करने लगते हैं। और हमने आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल जो हमारा होता है वो केवल और केवल क्या है, डिटरमिनर का ही कार्य करता है वो। और कुछ लोग बता देते हैं कि आर्टिकल भी एडजेक्टिव होता है, हालांकि हमने उसमें अंतर भी बताया था थोड़ा सा बेसिक। और अब हम बात करेंगे आज आर्टिकल के बारे में। और अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो लोग दोस्तों हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आने वाला हर एक कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी कंटेंट छूटने नहीं पाएगा। और हाँ दोस्तों, जो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। जैसे दोस्तों हमने हेडिंग बनाई होगी आर्टिकल के बारे में, हमने हेडिंग बनाई होगी आर्टिकल के बारे में, तो आर्टिकल में हम जानेंगे आर्टिकल का मतलब दोस्तों क्या होता है। कि आर्टिकल का अगर मतलब देखें तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर हम डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो एक तो आर्टिकल का मतलब आएगा अनुच्छेद, और दूसरा अगर आर्टिकल की बात करें, दूसरा अर्थ, तो आर्टिकल वस्तुएं भी होती हैं, और तीसरी की बात करें तो आर्टिकल में लेख होता है। जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है। अगर आर्टिकल का मतलब अगर ए एन ओ द होता तो क्या हम अनुच्छेद में ए एन द तो नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह वस्तुओं की बात करें कि यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स फैले हुए हैं, तो यानी यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं फैली हुई हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ए एन द फैला हुआ है। इसी तरह अगर आर्टिकल लेख होता है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि आर्टिकल छप के आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर देखें या हिंदी न्यूज़पेपर देखें, दोनों में लेख आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें हमको ए एन द पढ़ना होता है। तो हम समझ गए होंगे कि आर्टिकल का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता है। जैसे देखें आर्टिकल इज नथिंग, यानी द आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर, मैंने पिछली क्लास में जो लोग देखे होंगे उसमें मैंने बताया था कि डिटर्मिनर का ये पांचवा पार्ट मतलब एक पार्ट ही होता है कौन, आर्टिकल। द आर्टिकल इज नथिंग, यानी आर्टिकल कुछ भी नहीं होता, इट इज द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर, यह डिटर्मिनर का एक हिस्सा होता है। सो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन,
यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल बेसिकली कुछ नहीं होता अगर इसके अर्थ पे जाएं, लेकिन इसका ये भी एक पार्ट क्या होता है, डिटरमिनर का एक हिस्सा होता है। सो ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन, यानी इसलिए हम इसका प्रयोग जो है हम किसके नाउन से पहले करते हैं। अगर देखें तो क्या होता है, आर्टिकल प्लस नाउन होता है। दोस्तों कोई भी यदि कॉमन नाउन होगा, या आपको बता दें कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, और कॉमन नाउन जब भी कॉमन नाउन होगा कोई ना कोई आर्टिकल लेगा, बिना नाउन के आर्टिकल आता ही नहीं है। नंबर आप लोग एक बात ये नोट कर लीजिए कि आर्टिकल का प्रयोग हम किससे, नाउन से पहले करेंगे। हमने नोट कर लिया होगा कि आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। और दूसरी चीज़ हमने क्या जाना कि जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, राम इज अ गुड, और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा, राम इज अ गुड बॉय। अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सही है, या दोनों सही हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं, यानी आर्टिकल का प्रयोग हम किससे पहले करेंगे, नाउन से पहले करेंगे। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर पहला एग्जाम्पल कहें राम इज अ गुड, यानी राम अच्छा है, तो राम अच्छा है इसका मतलब है कि गुड हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। हालांकि जब हम एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ पर हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, यानी गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और हमने कहीं पर ये नहीं लिखा है या कहीं पर नहीं बताया है कि हम एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो जाता है। और दूसरा देखें, राम इज अ गुड बॉय, हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें बॉय हमारा क्या है, ये नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या है, क्या बोलते हैं, आर्टिकल आया हुआ है। गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और दूसरी बात आप लोग क्या नोट डाउन कर लीजिए कि यदि नाउन से पहले, यानी नाउन से पहले चाहे एडवर्ब आए चाहे एडजेक्टिव आए, लेकिन हम क्या होगा कि सब अगर एडवर्ब होगा तो पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन कर लेंगे। लेकिन और अगर एडजेक्टिव है तो ना आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन होगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव की को देखकर आर्टिकल लगाया गया, इसका मतलब ये नहीं है, नाउन है तभी आर्टिकल है। हम समझ गए होंगे कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, इट इज़ द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर, सो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन, यानी इसलिए इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए हों तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम नेक्स्ट बताएं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर हम बात अब दूसरे की करें तो दूसरा
हाउ यू आर? मैं बढ़िया कैन बी स्टडाइड अंडर टू पार्ट, यानी के पार्ट ऑफ ग्रुप। कहने का मतलब है कि हालांकि हम आर्टिकल का प्रयोग किसके दो ग्रुप के दो पार्टों में हम अध्ययन करते हैं, कहने का मतलब है कि आर्टिकल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम जैसे देखते हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसा कि हम तो अब तक पढ़ते आए होंगे कि एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल। यानी इनडेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल। हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। और हम ए और एन आता है, और डेफिनिट आर्टिकल में हमारा कौन सा आता है द, ये हमारा क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसको डिटेल में, अभी तो हम फैक्ट पे बात कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, इसके आगे चल के हम फैक्ट पे बात करेंगे। वहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर ए और एन और द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अगर हम जान गए कि इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं द। अब दोस्तों प्रोनंसिएशन के आधार पर कुछ लोग इसको आ पढ़ते हैं, कुछ लोग एन पढ़ते हैं, या ए पढ़ते हैं, या अन पढ़ते हैं। तो हम इसको प्रोनंसिएशन के आधार पर थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता दें। जैसे हमने लिया ए, ए लिया, अगर इसके प्रोनंसिएशन की बात करें तो इसको आ भी पढ़ा जाता है और इसको ए भी पढ़ा जाता है। इसी तरह हम अगर एन को लें, तो एन को अगर लें तो इसको अन भी पढ़ा जाता है और इसको एन भी पढ़ा जाता है। और अगर इसी तरह दा को भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर देखें तो इसको डी भी पढ़ा जा दा भी पढ़ा जाता है और डी भी पढ़ा जाता है। अब हम जानेंगे कि इसको हम आ और एक कब पढ़ते हैं। जैसे यदि, जैसे दिस इज अ पेन, यह पेन है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखें, यह पेन है, तो क्या बोलेंगे दिस इज, दिस इज अ पेन, यानी यह पेन है। तो यानी हम इसमें क्या बोले दिस इज अ पेन, क्योंकि यह पेन है। और इसी में थोड़ा सा चेंजेस ला दें तो यहाँ पर लिख दें यह एक पेन है,
जैसे इससे पहले हमने क्या लिखा था, यह पेन है, तो तब भी हमने लिखा दिस इज अ पेन, यानी यह पेन है, यह पेन है, तो दिस इज अ पेन। लेकिन अगर हम बोले यह एक पेन है, यानी यह एक पेन है, तो दिस इज ए पेन, क्योंकि हम इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, यह एक पेन है, यानी दिस इज ए पेन। और अगर हम बोले यह पेन है, तो दिस इज अ पेन। तो हम समझ गए होंगे कि जब एक लगा होगा तो ए बोलेंगे, वैसे अगर जनरली बोलना होता है तो हम आ का प्रयोग करते हैं, यानी आ का प्रयोग जो है हम 90% करते हैं और ए का प्रयोग हम ओनली 10% करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पर ये पार्टिकुलर बात करने लगता है, वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज, यह एक पेन है, तो दिस इज ए पेन, यह पेन है, दिस इज अ पेन। इसी तरह एन का प्रयोग देखें, तो एन के प्रयोग में देखेंगे कि इसको अन भी पढ़ा जाता है, एन भी पढ़ा जाता है। तो अन कैसे पढ़ा जाता है, जैसे इसमें भी एग्जाम्पल देखें, यह एक सेब है, यह एक सेब है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज एन एप्पल होगा, एन एप्पल। क्यों? क्योंकि यह एक सेब है, यानी हम उसी तरह बोले यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। और इसमें अगर एक हटा दें, ये यह सेब है, तो हो जाएगा दिस इज एन एप्पल। अब हम समझ गए होंगे दिस इज एन एप्पल। और इसी तरह दा हम देखें, दा का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे कोई भी इसके दा का प्रयोग किए और उसके बाद जो वर्ड होगा, और उस वर्ड का अल्फा फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। ये फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा कॉन्सोनेंट होगा। और इसमें डी जब पढ़ेंगे तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो क्या होगा, वॉवेल होगा। इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वॉवेल होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम दा का बाद अगर कोई भी वर्ड आएगा, उसका फर्स्ट अल्फाबेट, यानी फर्स्ट अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी जो होता है वो अल्फाबेट होता है, और जो उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा, यानी उस मीनिंग का फर्स्ट वर्ड, यानी फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो क्या होगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम दा पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या जाना कि वॉवेल इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या हैं, पांच प्रकार के। अगर ये आते हैं अल्फाबेट में फर्स्ट, अगर किसी मीनिंग में फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट जो फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट का जो होगा, अगर वावेल है इसमें से कोई भी, तो हम क्या पढ़ेंगे, डी। और अगर यही ये वर्ड नहीं है, इसके अलावा जो 26 वर्ड होते हैं, यानी 26 वर्ड इन अल्फाबेट में जो होते हैं, वो अगर उनमें से कोई कॉन्सोनेंट वर्ड यूज किया जाता है, तब हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम द एप्पल लिख दें, जैसे सपोज डेट द एप्पल, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, डी एप्पल। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है हमारा वो क्या है, वॉवेल है। इसी तरह अगर हम बात कैट, द कैट पढ़ें, सी ए टी कैट, द कैट, तो ये क्या होगा, क्योंकि सी हमारा वॉवेल तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको द कैट पढ़ेंगे। लेकिन अगर एप्पल होता तो दी एप्पल पढ़ेंगे। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये डिफरेंसेस आपको नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये अब कॉमन हो गया है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि द और दी का क्या डिफरेंस है, तो आप
बता देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर नोट डाउन करना चाहें फिर हम नेक्स्ट बढ़ें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे, आर्टिकल ओनली कैन बी यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी आर्टिकल का हम केवल प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, या तो पहले तो वो सिंगुलर होना चाहिए यानी एक वचनी होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए जिसे गिना जा सके, और वो कौन सा नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम हालांकि नाउन को मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करूंगा, और यहाँ पर हम तब तक के लिए टेम्परेरी जान लें कि नाउन हमारे मुख्यतया पांच प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे नाम आते हैं, राधा, श्याम, मोहन, राम, ये हमारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। मटेरियल नाउन में जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, डायमंड, ये हमारे क्या हैं, प्लास्टिक, ये हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हवा यानी एयर वगैरह, जो हमारा क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिना ना जा सके, यानी मिल्क है, वाटर है, तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन हमारा क्या है, कॉमन नाउन बॉय, पेन, बुक, गर्ल्स, ईटीसी वगैरह क्या है, हमारी कॉमन नाउन है। तो इस तरह से हम समझ गए कि एक वचनी और जिसे गिना जा सके, ऐसे नाउन जो कॉमन नाउन होते हैं। दोस्तों कॉमन नाउन का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन नाउन बॉय, पेन, बुक, गर्ल्स जो है, ये इतने कॉमन नाउन है, इसमें हमारा आर्टिकल का प्रयोग 95% होता है। और जो बचे ये, यानी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसमें केवल और केवल 5% आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो हमको ये 5% यहाँ पे जानना है और 95 अपने आप पता चल जाएगा। अब हम इसके आगे आपको विस्तार से बताएंगे। अभी तक क्या चल रहा था हमारा कॉन्सेप्ट, अब हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसके आगे जब हेडिंग बनवाएंगे इनडेफिनिट आर्टिकल की, जहां से हम फैक्ट की बात करना शुरू करेंगे। अभी तक हमारा क्या चल रहा था, कॉन्सेप्ट का। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आता रहेगा, होता हो आता होगा, और इसी तरह आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और अब हम आगे आप लोगों को हेडिंग बना लीजिए, इसके आगे इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आगे हम इसको, हम अभी तक हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, अब हम इसके फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। और अब इसको आप लोग, हम उम्मीद है कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम फैक्ट की बात करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि फैक्ट के हिसाब से हम कैसे, मतलब आर्टिकल का प्रयोग यूज करेंगे। और दोस्तों अभी तक कुछ टर्म्स जैसे हैं इंग्लिश में बोलते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को कहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती है, कहीं डिफिकल्ट लगता हुआ लगता है, तो समझने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश और हमारी अच्छे से समझ में आती रहेगी। और अगर उसको इंग्लिश को हर चीज हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा आपको अभी समझने में तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, लेकिन बाद में आपको डिफिकल्टी आएंगी। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।